नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 27 जून से लेके 3 जुलाई तक की। 27 जून से लेके 3 जुलाई तक की होगी ये रीडिंग। मैम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन, और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एम्प्रेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्स के कार्ड। मुझे लगता है करंटली जो है आपके पर्सन खुद का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। कैप्रिकॉन ये सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट में बिलीव कर रहे हैं इन दिनों। साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ये देख रहे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो पाने की कोशिश कर रहा है। अपने दिल की जगह दिमाग से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, साथ ही साथ ये बेकार की चीजों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का जो भी सिचुएशन चल रहा है इसमें ये अभी अपने बारे में सोचने में बिजी हैं। अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ के गोल सेट करना, अपने बारे में सोचना, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना, ये अभी किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, केयर नहीं कर रहा है किसी के बारे में। ये दिल की जगह दिमाग से सोच रहा है, अपना लुक्स, अपने स्टाइल, अपने रहन सहन, अपने कपड़े, अपने जीने का स्टाइल, ये सारा कुछ इस पर इनका फोकस्ड है। खुद को ग्रूमिंग करने में बिजी है। साथ ही साथ ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनको पता है कि ये मेहनत से सब कुछ कर रहा है, किसी ने इनको कुछ दिया नहीं है। ये किसी पर डिपेंड भी नहीं करती है, करता है ये किसी को किसी से ये कुछ उम्मीद भी नहीं रखता है या रखती है इन दिनों। साथ ही साथ ये अपने आप को दूसरों के सामने इतनी प्रेजेंटेबल तरीके से लाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, अपने बारे में सोचने लगा है। ये कोई नया जॉब या बिजनेस के बारे में अगर सोचती है या सोचता है तो ये किसी की मदद से उन कामों को करने के लिए सोच रहा है। हालांकि जैसी उनकी प्रेजेंट की जो स्थिति है, फीलिंग्स है, ये अपने आप को ग्रूमिंग करना, अपने बारे में सोचना, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना और हर काम को अपने तरीके से करना। किसी को अगर जरूरत पड़े उनसे आके बात करें, ये किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ये अपने में खुश है, अपने तरीकों को ये सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने सोच को अपने कर्मों के साथ, काम और सोच, जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, इस तरीके से ये चल रहा है। अगर मैं कहूँ प्यार मोहब्बत ये वो, तो फिलहाल ये अपने में बिजी है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉन
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं अगर ये आपसे आपके साथ शादीशुदा है तो ये बंदा अपनी शादी को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। अगर नहीं है तो शादी करने के बारे में सोच रहा है, शादी बच्चे परिवार इसके लिए सोच रहा है। ये चाहता है अपनी लाइफ में ये स्टेबल बने, स्टेबिलिटी आए इनके लाइफ में, इनके परिवार हो, बच्चे हो, पैसा हो, ये सब कुछ अपने मुताबिक करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कुछ भी करेंगे ये अपने तरीके से करेंगे, चाहते भी हैं कि इनके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हो, बड़ों की आशीर्वाद हो अपने लाइफ में, और साथ ही साथ इनको अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये जो कर रहे हैं ये जो डिजर्व करते हैं डेफिनेटली वो चीज़ उनको मिलेगी, क्योंकि इनका कर्म इतना अच्छा है कि यूनिवर्स इनको वो सब कुछ देगा जो ये चाहते हैं, ऐसा ही ये सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये मेहनत करना भी चाहते हैं। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो ये शादी को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अगर आपके साथ शादीशुदा नहीं है तो ये अपने लाइफ में शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपके साथ हो। खास करके जितना दिखाई दे रहा है ये अपने लिए सोच रहा है, अब शादी स्टेबिलिटी ये अपने लिए सोच रहा है, आपके साथ या नहीं ये तो एक्शन के कार्ड जब आएंगे तब देखा जाएगा कि ये एक्चुअल में आपके साथ शादी के बारे में सोच रहा है। अगर ये रिश्ते में है, लव रिलेशनशिप में है आपके साथ, तो ये आपके साथ शादी के बारे में सोच रहा है या फिर अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, इसका तो पता बाद में चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो कुछ भी सोच रहा है, जो कुछ भी चाहता है या चाहती है, अपने बारे में चाहती है, साथ में अपने परिवार की मर्जी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबल और सेटल होना चाहते हैं। जैसे कि सेटलमेंट मतलब जो सेटल जो होना, शादी करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, बच्चे, परिवार, इन चीज़ों को ये पाना चाहते हैं अपने लाइफ में। आप कैप्रिकॉन हो, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है, देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। अब ये शादी तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ये चाहते किसके साथ है? फिलहाल तो ये अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन इस रिश्ते के लिए इनका क्या सोच है, देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। अभी एक्शन लेने के बारे में ये कुछ नहीं सोच रहा है, ये अपने लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा, ये चाहता है पेशेंसली वेट करना। हो सकता है किसी और की वजह से आपने इनको डिच किया, या फिर आपकी किसी बातों से बंदा बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, तो उन अपने गुस्से पर ये कंट्रोल करना चाहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहेंगे और अपने जगह अपने तरीके से ये रखना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि ये हर तरीके से स्टेबल है, ये मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी इनको मिला है, जैसे कि पहले भी कार्ड आया था, तो ये अभी उन चीज़ों पर फोकस्ड रहेगा, एक्शन लेने के बारे में फिलहाल ये नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ को बैलेंस करने के बारे में पूरी तरीके से सोच रहा है। और ये सोचेंगे खास करके ये 27 से लेके
3 तारीख तक की जो वक्त है जुलाई मंथ की, इसमें ये अपने बारे में सोचने में बिजी रहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम, अपने पोजीशन, अपने पोस्ट, अपने रुतबा, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इन चीज़ों में ये बिजी रहेंगे। हो सकता है कि आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप इनके लिए वेट कर रहे हो कैप्रिकॉन, लेकिन ये उस चीज़ से खुद को अभी दूर रख रहे हैं और जहाँ ये है उस जगह पर ये रहना नहीं चाहते हैं। जहाँ यहाँ से ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ये पूरी तरीके से अपने आप को किस तरीके से हैप्पी रखा जाए, अपने लिए सोचा जाए, इसमें इनका फोकस रहेगा कम से कम इस हफ्ते। अभी हम देखेंगे एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको अपने डिसीजन लेना, चीज़ों को सोचना, रिश्ते के बारे में सोचना, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के बहुत सारी जानकारी के साथ डिसीजन लेना होगा। ऐसा ना हो कि आपने कुछ डिसीजन ले लिया और आपको आधी अधूरी जानकारी है, तो ये आपको परेशान करेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत जानकारी के साथ ही डिसीजन लेना है और जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आपने सोचा, जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले लिया तो बाद में आपको परेशानी होना पड़े, बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।